क्रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में, और ये है वीडियो नंबर 5। इससे पहले अगर आप वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो नंबर सीरीज वाइज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है 1 जो है बराबर है A1 के और A2 के, इसका मतलब दोनों टर्म्स के बराबर है, प्रथम पद और द्वितीय पद के। फिर कह रहा है कि An जो है यहाँ पे दिया हुआ है इतना, ठीक है, An इक्वल टू दिया है An-1 + An-2, और ये An डिफाइन किसके लिए है, N जो है ग्रेटर देन 2 के लिए, मतलब 2 से अधिक के लिए डिफाइन है, मतलब 2 नहीं पुट कर सकते हैं, 3-4 ये पुट कर सकते हैं। फिर जब कह रहा है कि जब ये डिफाइंड है तो हमें निकालना क्या है, An+1 और अपॉन में An, और ये किसके लिए डिफाइन है, n=1 से लेकर 5 तक। तो पहले समझे हैं कि हमें निकालना क्या है। देखिए हमें तो प्रथम 5 पद निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, क्यों निकालने हैं समझेंगे जरा। नहीं, प्रथम 6, क्योंकि हमें ये चीज़ निकालना है। तो ये चीज़ निकालने के लिए जब हम n=1 रखेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, A1 ऊपर और प्लस में 1, और नीचे क्या मिलेगा, A1 ऐसे मिलेगा। इसका मतलब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, A2 और अपॉन में A1। जब हमने n=1 पुट किया, ये 1 पुट किया, तो हमें मिला A2 अपॉन में A1। जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2+1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा A2। जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें ऊपर मिलेगा A4 और नीचे मिलेगा A3। जब हम 4 पुट करेंगे तो ऊपर मिलेगा A5 और नीचे मिलेगा A4। जब हम 5 पुट करेंगे तो ऊपर मिलेगा हमें A6 और नीचे मिलेगा A5, ठीक है। तो इसी से हमें ये आइडिया लग रहा है कि हमें कितना टर्म्स चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्रथम 6 टर्म्स चाहिए, और यही हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें A1 और A2 तो दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमें A3, A4, A5 और A6 निकालना है, ठीक है, इनसे निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1 जो है, A2 है, वो किसके बराबर है, 1 के, और हमारे पास An बराबर दिया हुआ है An-1 + An-2, और यहाँ पे पुट क्या कर सकते हैं हम, पुटिंग n=3, 4, 5 और 6। 6 तक क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 6 तक चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे। तो हम n=1 क्या पुट करेंगे, 3 इसमें, तो यहाँ पे जब हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे A2 प्लस में 3-2 कितना हो जाएगा, A1। अब देखिए A2 भी कितना है, 1 के बराबर ही है, और A1 भी कितना है, 1 के बराबर, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये, 2। तो हम लिख सकते हैं कि A3 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2। इसको बॉक्स में डाल लीजिए, ठीक है। अब हम 4 पुट करेंगे, तो जब हम 4 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 4-1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 4-2 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे A3 का मान कितना आया हुआ है, 2, और A2 का मान कितना है, A1 का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A4 = कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से A5 के लिए हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो 5-1 क्या हो जाएगा, 4, A4, और वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा A3। A4 कितना आया हुआ है अभी, 3, और A3 कितना आया हुआ था, 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो A5 = कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अच्छा, यहीं पे A6 भी निकल जाएगा, A6 बराबर रखेंगे, 6 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A5, और यहाँ पे हो जाएगा A4, ठीक है, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5 अभी अभी कितना आया था, 5, और A4 कितना आया था, 3, तो कितना हो जाएगा, A6 = 8। इतना समझ में आ गया, अब समझेंगे, जो निकालना था वो चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद से द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है An+1 / An फॉर n=1, 2, 3, 4, 5, ये निकालना था हमें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसका और हिंदी में लिख सकते हैं An+1 / An का मान
एन बराबर वन के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सब हो जाएगा ए टू अपॉन में ए वन, ए थ्री अपॉन में ए टू, ए फोर अपॉन में ए थ्री, ए फाइव अपॉन में ए फोर, ए सिक्स अपॉन में ए फाइव, ये अपने पास है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए टू अपॉन में ए वन का लिखिए यहाँ पे, ए टू अपॉन में ए वन, तो ए टू कितना है वो भी वन है और ए वन भी कितना है वन है, ठीक है, कॉमा, ए थ्री का मान कितना आया हुआ है यहाँ पे, टू आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे टू, और ए टू का मान कितना है तो वन है, ए फोर का मान कितना आया हुआ है थ्री, और अभी अभी ए टू ए थ्री का मान कितना लिखा था हमने टू, ए फाइव का मान कितना आया हुआ है फाइव, और ए फोर का मान कितना अभी अभी लिखा था हमने थ्री, ए सिक्स का मान कितना आया हुआ है एट, और इसका ए फोर ए फाइव का मान कितना फाइव, तो यही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर दिया होगा वन अपॉन में वन तो वन ही लिख सकते हैं, टू अपॉन में वन को टू लिखा जाएगा, फिर थ्री बाई टू, फिर फाइव बाई थ्री और एट बाई फाइव, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है एक्सरसाइज इसका 9.1 कंप्लीट किया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में, ओके, वीडियो नंबर 6 नए कंसेप्ट के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ।